किचन किंग मसाला अब बाजार से क्यों लाना। आज हम बनाने वाले हैं होममेड किचन किंग मसाला। तो फ्रेंड्स, होममेड किचन किंग बनाने की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून खड़ा धनिया ले लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, 3 इंच मैंने यहाँ पर दालचीनी ली है, 20 से 25 मैंने यहाँ पर लौंग ली है, थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर जायफल और जावित्री लिया है क्योंकि जायफल और जावित्री का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने शाही ज़ीरा लिया है, 20 से 25 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, 5 हरी इलायची ली है और मैंने यहाँ पर 2 काली इलायची ले ली है, बड़ी इलायची, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने राई ले ली है। तो ये सभी चीज़ों को अब हम भून लेंगे। एक पैन में हम ये सारे मसाले डाल देंगे इस तरह से, और धीमी आंच पर हमें ये सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसमें हम 4 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे। तो एकदम हल्की आंच पर हमें ये सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है। इसमें हम 1/2 टीस्पून खसखस भी डाल देंगे और इस तरह से इसे भून लेंगे। इसे भून लेने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसमें अभी और इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं डालने के लिए, तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड्स, आपको ये होममेड किचन किंग की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मसालों से धीमी धीमी खुशबू आ रही है तो मैंने गैस बंद कर दिया है और अब ये सभी खड़े मसालों को हम ठंडा होने देंगे। गैस हमने बंद कर दिया है, हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अगर हम कसूरी मेथी पहले डाल देते तो वो जल जाती, इसीलिए हमने इसे बाद में ऐड किया है। और अब इसे ठंडा होने के बाद हम एक प्लेट में अब हम निकाल लेंगे। सभी भुने हुए मसाले हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और अब इसे ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, सभी मसाले हमने मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। 1/2 इंच हम इसमें सूखी अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें काला नमक डालेंगे, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और 1/2 टीस्पून हम इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा किचन किंग मसाला भी बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा होममेड किचन किंग बिल्कुल रेडी है, हमने इसे पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा होममेड एकदम प्योर किचन किंग मसाला रेडी है। आप भी इस तरह से किचन किंग मसाला ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें कि आपने बनाया हुआ किचन किंग मसाला कैसा बना। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम बनाएंगे गवार गोश्त की सब्ज़ी। तो जिसके लिए हमने लिया है, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और इसमें हमने डाल दी है 1 छोटे साइज की प्याज को चॉप करके डाल दिया है। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। 1 से 2 चम्मच यहाँ पर हम पीसी हुई लहसुन की मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। पीसी हुई मिर्च हमने इसमें डाल दी है। हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। अच्छे से भून लेंगे। मिर्च का कच्चापन अच्छे से पक चुका है, मिर्च अच्छे से पक चुकी है। हम इसमें डालेंगे उबली हुई गवार की सब्जी। इसमें हम उबला हुआ आलू भी ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। 1 छोटे साइज के टमाटर को मैंने यहाँ पर चॉप करके डाल दिया है। 1 कटोरी इसमें उबला हुआ गोश्त भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से गवार की सब्ज़ी, गोश्त और आलू की ये सब्ज़ी ज़रूर बनाएं, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है ये। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और ये हमारी सुपर डिलीशियस गवार गोश्त की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।